संविधान दिवस है और आज के दिन 1949 को भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा आत्मसात किया गया था और यही संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह संविधान दुनिया के सभी देशों के संविधान तुलना में माना गया है सर्वश्रेष्ठ, जिसमें सामाजिक बदलाव का सिस्टम है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज के निर्माण हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान का प्रारूप पेश करते हुए कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान पूरा होगा। अगर संविधान चाहे खराब हो लेकिन संविधान लागू करने वाले अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पर संविधान अच्छा होगा। उन्हें शंका थी बहुत पहले से कि संविधान को लागू करने वाले मनुवादी हैं, ये संविधान को हो सकता है ईमानदारी के साथ लागू न करें, और यही कारण है उनकी शंका खरी उतरी, सही उतरी, क्योंकि देश को आज़ाद हुए लंबा टाइम हुआ, संविधान लागू हुए भी 70 साल करीब होने जा रहा है, लेकिन देश अभी सामाजिक भेदभाव का शिकार है। दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, पिछड़े हैं, इनकी हालत खराब है। सरकारों ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई कि संविधान के अकॉर्डिंग कमजोर समाज को भी बराबर का दर्जा मिल सके, क्योंकि भारत में मनुस्मृति भी लागू है और मनुस्मृति यहाँ पे लगभग 2200 साल पहले से लागू है, वो लोगों के दिल दिमाग में बस गया है, उसके प्रति इस देश के मनुवादियों की आस्था जुड़ गई है, इसलिए ईमानदारी के साथ संविधान लागू नहीं करते। दूसरी बात है कि संविधान के मंशे के अनुरूप वर्तमान सरकार भी काम नहीं कर रही है। देश के 25 एयरपोर्ट दे दिया प्राइवेट सेक्टर को, देश के रेलवेज को भी प्राइवेट सेक्टर में देना शुरू कर दिया, देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली का लाल किला दे दिया प्राइवेट सेक्टर को, तो निश्चित तौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए भगवा सरकार लगी हुई है। और जहां तक हमें जानकारी है कि RBI का 1,76,000 करोड़ रुपया भगवा सरकार ने RBI से ले लिया और 1,45,000 करोड़ रुपया का टैक्स माफ कर दिया कॉर्पोरेट सेक्टर का। तो निश्चित तौर पे वर्तमान सरकार इस देश के जो बड़े लोग हैं, कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाने में, लेकिन देश के जो नौजवान हैं, किसान हैं, गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, उनको ध्यान रखते हुए काम नहीं कर रही। संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, हमारा लक्ष्य है कि इसको कैसे बचाया जाए। जब तक दुखियारे लोग लामबंदों के संघर्ष नहीं करेंगे तब तक संविधान नहीं बचेगा।